इस प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे मान लो आपको एक सैटेलाइट नहीं चार सैटेलाइट को एक साथ एक ही रिसीवर में चलाने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा और कैसे उसकी सेटिंग की जाती है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यहाँ मैं पूरा सेटअप करके आपको उस डिवाइस की अनबॉक्सिंग रिव्यू प्लस सेटिंग बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों बात करते हैं एक सेटअप बॉक्स में चार सैटेलाइट चलने वाली डिवाइस, क्योंकि यहाँ अक्सर हम एक ही सेटअप बॉक्स में एक ही सैटेलाइट चलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको चार सैटेलाइट चलाने वाली डिवाइस बता रहा हूँ। तो उसकी इनबॉक्सिंग के लिए दोस्तों यहाँ मैं लेके आया हूँ डिस्कसी स्विच, यानी ये डिस्कसी स्विच है JBN कंपनी का है और 4:1 का है, और यहाँ इसका जो 2.0 है और इसका जो सिग्नल की बात करते हैं तो कई लोगों के सवाल थे कि सिग्नल वीक होते हैं। तो दोस्तों इस वाले डिस्कसी स्विच में सिग्नल बहुत कम वीक होते हैं और मैन होता है फुल HD वाला, और इसमें आप जो सी बैंड हो चाहे के बैंड हो सभी तरह के सैटेलाइट लगा चला सकते हो। अब इसकी इनबॉक्सिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का स्विच है और फिर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। तो यहां स्विच की क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको ये स्विच इस तरह का स्विच है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये वाला डिस्कस स्विच है, इस स्विच के अंदर हम एक ही रिसीवर में चार सैटेलाइट चला सकते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग की, तो सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से चलेगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक सी बैंड का डिश एंटीना है, जो यहाँ डिश एंटीना देख रहे हो, और ये मान लीजिए ऐसे सेट पर सेट है, और एक मान लीजिए हमारे पास क्यू बैंड का डिश एंटीना सेटअप है। तो इन्हें लगाने के लिए हमें जो 4:1 का या 2:1 का डिस्क स्विच चाहिए, तो 4:1 का मैंने यहाँ लगा रखा है। पूरा सेटअप मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए ये पूरा लाइव सेटअप है। और यहाँ जो कनेक्शन की बात करते हैं तो इस डिस्क स्विच में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो यहाँ जो मैंने 4:1 का जो ये JBN कंपनी का यही वाला स्विच यहाँ ले रखा है, तो ये देखिए अब यहाँ कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन हम कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कनेक्शन करने का जो तरीका है, यहाँ चार आप सैटेलाइट चला सकते हो, 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ अभी दो ही सैटेलाइट यूज किए हैं। तो यहाँ रिसीवर का पोर्ट है, उसमें रिसीवर दिया गया है, तो यहाँ मैंने ब्लू कलर का कनेक्टर लगाया है, और जो सैटेलाइट के जो पोर्ट है उनमें मैंने ब्लैक कलर के कनेक्टर लगाए हैं। अब यहाँ दोस्तों इस तरह से आपको जो डिस्क स्विच होता है तो वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप दो सैटेलाइट यूज करते हो तो दो सैटेलाइट पे लगा दो, अगर आप चार सैटेलाइट यूज करते हो तो चार पे लगा दो, और जो यहाँ रिसीवर का है इसमें आपको रिसीवर लगाना होगा। इसके बाद में होती है दोस्तों बॉक्स में सेटिंग। अगर आपको बॉक्स के सेटिंग का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बॉक्स में डिस्क स्विच को आप कैसे सेटअप करते हैं तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ दोस्तों मैंने जो JBN कंपनी का जो डिस्क स्विच है उसकी इनबॉक्सिंग रिव्यू और उसकी जो सेटिंग है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये वाला जो स्विच है आपको ओनली 125-130 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिले तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं वारंटी वगैरह की, तो दोस्तों ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट आते हैं, इनकी वारंटी गारंटी नहीं आती है, लेकिन ये आगे से पूरे टेस्ट होके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।